तो इसके तो पैसे लगते हैं, आप ये फ्री में करा रहे हो ये, दिस इज हाँ। तो क्योंकि मैंने सत्यम को सारे इंटरव्यू में सक्षम कहा है, इसलिए वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि मेरा नाम रसिका है। तो रसिका को ये इंटरव्यू बहुत मज़ेदार लगा। तो अगर आप को ये इंटरव्यू में आपको भी कुछ कुछ मज़ा आया हो जितना हमें आया है, तो आप न्यूज़ क्लिक को सब्सक्राइब कर लीजिए और NC हैंगआउट में ये देख लीजिए आके। और भी बकबक ये हमने सक्षम और रसिका तो देख लीजिए आप। शीबा जी बहुत शुक्रिया न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए। ये NC हैंगआउट है, मेरा नाम सत्यम है और आपका बहुत स्वागत है इस चैनल पर, स्वागत है इस शो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस ऑन लाइक लिटरली सच अ शॉर्ट नोटिस। थैंक यू सर। कैसी हैं आप, क्या चल रहा है? बारिश हो रही है बम्बई में और हाँ अभी कुछ थोड़ा शूटिंग से थोड़ा मतलब ब्रेक है हल्का फुल्का, तो इट्स लिटिल बिट गुड। बाकी कुछ चल रहा है अपने घर। फुल तारीफ हो रही है ट्रायल की, मैंने कई जगह पर पढ़ा है कि शीबा चड्ढा स्टील्स द शो और आपका जो रोल है कैमिलियन कह रहे हैं कुछ लोग आपको, कि एक से ज्यादा तरह के रोल इतनी आसानी से पुल ऑफ कर रही हैं आप। ट्रायल के बारे में बात करते हैं, कैसा था वो रोल? और लास्ट की दो फिल्में अगर हम बात करें तो यू प्लेड अ मदर और इसमें एक ऑटोक्रेटिक रोल है, काजोल की बॉस आप बनी हैं, लॉ फर्म में रिलेटेड है, कैसा पूरा एक्सपीरियंस था और जो तारीफ मिल रही है उसका क्या एक्सपीरियंस है? तारीफ तो बहुत अच्छी होती है तारीफ मिल रही है। शो में मुझे करने में बहुत मज़ा आया, बिकॉज आई थिंक इस जोन का शो मैंने किया नहीं है या इस टाइप का रोल, मतलब वुमन इन पावर ऐसा रोल तो मैंने काफ़ी किए हैं। इनफैक्ट अभी एक फिल्म आई थी खुदा मैं सच बताऊँ मैंने अभी तक देखी नहीं है, तो उसमें उसमें है ऐसा। बट आई हैव डन अ लॉट ऑफ दीज रोल्स इन अर्लियर टेलीविजन में भी और वैसे भी, बट या ये एक लॉ फर्म के जोन में मैंने नहीं किया था, तो इट्स मज़ेदार। यू आर 20 मिनट्स लेट, तो मेरे प्रो बोनो केस में मेरी मदद करोगी? कहाँ से शुरू होता है सफर? दिल्ली? हाँ दिल्ली। कहाँ, कब तक दिल्ली और उसके बाद कब मुंबई? दिल्ली मैं साल वाल भूल गई हूँ, बट या दिल्ली, परवरिश दिल्ली, कॉलेज दिल्ली, थिएटर दिल्ली, तो एक चिंगारी नाम का थिएटर ग्रुप हुआ करता था जैसे रजत कपूर वगैरह हैं, तो टोटल शुरुआत उससे। हंसराज कॉलेज, वहाँ पे भी अंग्रेजी ऑनर्स लेकिन ड्रामेटिक्स कोटा, तो हर साल एक नाटक श्रीराम सेंटर में। हमारे एक बहुत प्रोलिफिक लेक्चरर हैं संजय कुमार, जो अभी भी हैं वहाँ पे, जो वो वाले अंग्रेजी के प्रोफेसर होते हैं ना जो सबसे पॉपुलर होते हैं, वो थिएटर भी करते हैं और उनकी फ़िलोसफी और उनका पॉलिटिक्स सबसे ही होता है और सब बच्चे उनकी तरफ बहुत यू नो उनका रुझाव रहता है, वो वैसे वाले दोस्त जैसे, तो वो अभी भी हैं, तो उनके साथ में हर साल एक नाटक। फिर बम्बई एक बार आ गए तो फिर तो नहीं गए वापस। फिर वही हम दिल दे चुके सनम, जी वही, दैट वाज द फर्स्ट फिल्म। तो वो ये जो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा है कि मैं सच्ची में एक महीना कह के आई थी कि अगर एक महीने में कुछ काम मिल गया तो मैं रुक जाऊंगी, नहीं तो मैं वापस आ जाऊँगी। तो एक महीने में वो फिल्म मिल गई थी और रमेश सिप्पी जी की एक उन्होंने एक बड़ा सा एक वो बना रहे थे उस टाइम सीरीज, गाथा ऐसा नाम था उसका, एंड उसमें रोल मिल गया था ये दोनों चीज़ों में। तो फिर उस टाइम के आए तो अभी हैं यही दिल से के बाद आई थिंक, फिर परजानिया, लग बाई चांस, इस सब के बीच में टीवी किया आपने और उसके बाद भी किया? टीवी बीच बीच में चलता ही रहा, बिकॉज फिल्में इतनी रेगुलर नहीं और उसमें कई बारी रोल इतने ही ख़राब थे कि मैंने कई फिल्में नहीं भी की उस वक्त भी। लेकिन तो टेलीविज़न एक बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग इनकम का ज़रिया है, तो फॉर थिएटर पीपल जो हम लोग, मैं मानती थी मैं हूँ, हमारे लिए तो था कि नाटक करना है और जिस भी सोर्स से हाँ सिनेमा और दिस थिंग, तो सिनेमा में आई थिंक बिकॉज आई एम टॉकिंग नाउ 24-25 years, उस समय हमारे जैसे एक्टर्स के लिए इतना स्पेस नहीं था ना, तो मोर कंसिस्टेंट वर्क वॉज टेलीविज़न। तो हाँ टेलीविज़न, थिएटर पर्सन मानती थी मतलब? हाँ, क्योंकि अब मुझे नहीं कहना चाहिए कि मैं थिएटर पर्सन हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग थिएटर पर्सन नहीं हूँ अभी,
ना अभी कब छूटा है? छूटा मैंने लास्ट नाटक आई थिंक रेहान के साथ में किया है, एक कास्टवे करके नाटक, रेहान जैन इंजीनियर मेरे ऑल टाइम फेवरेट थिएटर डायरेक्टर हैं, आई डोंट नो आपने उनका काम देखा है? सक्षम मैंने नाम सुना जी। तो हाँ उनका दिल्ली से भी काफ़ी वास्ता रहता है, वो दिल्ली में रहे हैं, अभी नैनीताल में आई थिंक हैं बट वो दिल्ली में काफ़ी रहे हैं। तो उनके साथ में आई थिंक ये नाटक हुए हुए कुछ हो गए हैं 5-6-7 साल। उसके बाद मैंने उसके आसपास मैंने खुद का एक, मैं बहुत कम डायरेक्ट वगैरह करती हूँ लेकिन एक सेरेंडिपिटी फेस्टिवल होता है गोवा में, तो वहाँ पर एक मुझे नाटक कमीशन किया गया था। तो एक किताब थी बहुत वक्त से जिस पर बहुत दिल आया हुआ था, उसका मैंने ये पता नहीं कैसे ही मैंने किया क्योंकि कभी किया नहीं, किताब में से एक स्क्रिप्ट निकाल के नाटक किया डायरेक्ट भी, और क्योंकि एंड तक कोई मिला नहीं तो मुझे दो ही लोग थे उसमें, तो आई ऑल्सो एक्टेड इन इट। तो ये कुछ ये दो चीज़ें लास्ट रही थिएटर की। और बधाई हो पहले हुआ या मिर्ज़ापुर पहले हुआ? यार ये मुझे ना ये सब चीज़ें याद नहीं रहती साक्षात, आई डोंट नो बट आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। बधाई हो तो बधाई सेकंड वाला बोल रहे हो आप, बधाई दो बोल रहे हो, बधाई हो वो पहली वाली, हो बोल रहा हूँ पहली वाली, हाँ वो का यार या मुझे नहीं याद। बट हाँ ये सारे रोल्स बधाई दो या मिर्ज़ापुर या बंदिश बैंडिट्स, इसमें एक तरह के किरदार हैं, आपने माँ का रोल प्ले किया है लगातार मोस्ट में, तो डिफरेंट लगता है एक से अलग काम, या आपको लग रहा था कि बीच में कहीं लगा ऐसा कि यार अब तो टाइपकास्ट किया जा रहा है? मैंने दायरा एक माँ का ही है ना, द फ्रेमवर्क इज दैट रोल हैज बीन डिफाइंड, लेकिन उसके अंदर क्योंकि अब स्क्रिप्ट्स कितने ही ज़्यादा बेहतर हैं, राइटिंग ज़्यादा नुआंस्ड है, स्पेस है ऐसे कैरेक्टर्स के लिए, तो एक रोल से दूसरा फॉर श्योर अलग लगता है। मैंने बधाई दो और डॉक्टर जी में भी बहुत फ़र्क है, आई फॉर मी एज मदर्स यू नो, एक बिल्कुल ही कर्मठ इंसान है और दूसरी बिल्कुल ही ऑपोजिट ऑफ के, मतलब कुछ करना ना पड़े यू नो, तो उससे हाउ दैट इन्फॉर्म्स योर पर्सनैलिटी और कैसे आप जिंदगी जीते हैं, ये दो यू नो तो अलग ही है। तो ऑफकोर्स दे हैव मदर्स, वो एक अम्ब्रेला है। टाइपकास्ट तो क्या है, आई थिंक इट्स जस्ट द फैक्ट दैट इट्स वुमेन आर एज और एक्टर्स वुमेन माई एज, आई विश देर वर जस्ट मोर रोल्स वेयर यू आर नॉट सिर्फ यही यू नो, येस देर इज मोर स्पेस, अभी है और कुछ करने को क्योंकि बेटर लिखा जा रहा है, लेकिन फाइनली क्यों और ऐसी कहानियाँ नहीं हैं जहाँ पे पीपल आर एज हैव, वी आर नॉट जस्ट यू नो मदर्स और सिस्टर्स और वाइव्स और हस्बैंड्स, वी आर जस्ट ऑल अदर थिंग्स ऑल्सो ना, तो उसको उसका एक्सप्लोरेशन और That was too fantastic. I loved that काम. बहुत सही था. हाँ बहुत सही था. मेरा favorite काम है वो. और बहुत ही कम लोगों ने देखा है मेरे ख्याल से. बहुत लोगों ने. Really? कई लोगों ने देखा. हाँ, but not too much. It's not like a Mirzapur or a Bandesh. हाँ. है ना, वैसा नहीं है. और second season भी उसका sanction नहीं हुआ है. है ना, तो it's हाँ तो मेरा favorite काम. I loved it. वो बहुत अच्छा था. References, शब्दराश्मी की बात हो रही है. पगलेट इन सब माओ से जो वो एक करेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा मुझको पर्सनली लगता है कि वो एक चीज़ अलग है, या मिर्ज़ापुर की जो माँ है उसके हाँ दो बेटे हैं उनका, एक सीज़न में वो सक्सेस देखती है, दूसरे सीज़न में उसको उससे डर भी लगता है कि भाई बस हो गया, या डॉक्टर जी फॉर एग्जांपल है उसको भी अपने बेटे की ही चिंता लगी हुई है कि भाई क्या हो रहा है, इसका काम कैसा जा रहा है, कैसा नहीं जा रहा है। पगलेट में एक टाइम आता है जब उस महिला का ग्रीफ दिखाते हैं और उसने क्या झेला है वो दिखाते हैं। हाउ वॉज इट डूइंग सीमा पाहवा के साथ काम करके, पूरी ऑनसेंबल कास्ट थी, अच्छी फिल्म बनी थी, कैसा था वो? तो मुझे ये इन टर्म्स ऑफ मदर मुझे बहुत अलहदा जोन नहीं लगता द पगलेट्स मदर, बट एज एन एक्टर एक्चुअली मेरे लिए वो थोड़ा अलग था क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेप नहीं करती हूँ सक्षम, मैं ज़्यादा सेट पे भी मेरा ऐसा नहीं रहता है कि यू नो
फॉर मी इट्स जब व्हेन द टेक इज ऑन दैट्स द वर्क. ओके, तो वो उसके बाहर मैं उससे नहीं जुड़ी रहती हूँ. पहले से आप उसमें कैरेक्टर में जाने की कोशिश नहीं करती? नहीं, मेरा ऐसा प्रोसेसिंग जो भी मेरा ऐसा आई दैट्स नॉट माई वे. तो मैं काफ़ी मतलब ऑन ऑफ सा ही मामला रहता है ऑन. लेकिन उस फिल्म में समझ आया सेट पे कि ये नहीं हो सकता यहाँ पे. एंड व्हाट आई नॉर्मली डू आई कैन नॉट डू हियर बिकॉज वो जो लेवल ऑफ ग्रीफ है वो आप एकदम से उस स्पेस में आप एंटर नहीं कर सकते. मतलब ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही हाई लेवल ऑफ ग्रीफ है वो. बहुत इससे ज़्यादा बड़ा ग्रीफ मुझे समझ नहीं आता. इफ़ मदर लूजेज जवान चाइल्ड ना, मुझसे मुझे नहीं समझता इससे बड़ा ग्रीफ बिकॉज आई एम अ मदर. तो मुझे उससे ज़्यादा कुछ तो उसमें एकदम कूद जाना हर टेक के पहले नहीं था पॉसिबल मेरे लिए. तो ये भी नहीं कि मैं ऐसा बैठी रहती थी, बट जस्ट दैट एक एन इंटरनल नोइंग कि मैं थोड़ा उससे रहूं उसके साथ उतना ही ज़्यादा. ये इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सेट पे किसी से बात नहीं कर रही है हमें ऐसा नहीं, बट मोर अवेयरनेस दैट दैट इज़ द जोन आई एम इन और वो थोड़ा सा पकड़ के रखना. तो वो मेरे लिए अलग था फॉर पगलेट. एंड आई थिंक वो एक ही फिल्म में जो मुझे ऐसे जो याद आ रही है जिसमें मुझे ऐसा आई जस्ट इंस्टिंक्टिवली न्यू कि या दिस इज यहाँ पे रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की. या और बाकी जो मदर साहब ने प्ले की है उससे कुछ ऐसा नहीं लगा कि यार हाँ ये टफ है या इसको करने में मज़ा आ रहा है? बधाई दो आई फाइंड अ बिट टफ जो कि बहुत ही उमदा लिखा हुआ कैरेक्टर है मेरे हिसाब से. लेकिन अगर आप वो फिल्म देखें तो आप देखेंगे कि बहुत जगहों पे वो जो मदर है वो बहुत ही फैंटास्टिकल अब्सर्ड चीज़ें कहती और करती हैं, है ना. तो सीन है वो चिट में लिख के लाइए, क्या क्या बताना है चिट में लिख के लाइए. वो एक सीन है जो शायद किसी ने ध्यान भी ना दिया हो कि वो भूमि जब आती है वहाँ पे और जिस लड़की को वो कह रही है कि भूमि ने कहा कि राजकुमार ने कहा कि मैं वो जो उनके पुलिस ऑफिसर है उनके साथ में मेरी मैं वो मेरी एक्स लवर है तो उससे शादी क्यों नहीं हो गई क्योंकि उस मतलब वो किसी और से शादी हो गई उसकी. तो वो सडनली वो मिल जाती है वो और उसका और एक बच्चा होता है वहाँ पे. तो वो कहते हैं ये इसका बच्चा है उसी का. अभी बात हुई है कि उसकी शादी हुई है तो ये कहती है कि अच्छा बड़ी जल्दी बड़े बच्चे. अभी लिख तो दिया है डायरेक्टर ने, है ना. अब आपको आप यू हैव टू यू नो यू हैव टू डू दैट विद ऑनेस्टी. ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है वो चिट निकाल के पढ़ना है यार, क्या ही चीज़ है यार. तो बहुत एक फाइन लाइन मुझे लगा उसमें है इन दैट फिल्म के सैडिटी और स्टुपिडिटी. हाँ मतलब बहुत ही इट कैन टर्न आउट टू बी ये भी नहीं कि पागल है या बिल्कुल ही भोंदू है वो. आई डोंट थिंक ये चीज़ें है वो औरत यार. वो सिर्फ एक जैसे हर्ष ने एक बहुत जो डायरेक्टर है उन्होंने बहुत एक बढ़िया चीज़ कही थी कि वो रिलक्टेंट है ना. रिलक्टेंट शी इज़ अ रिलक्टेंट टाइप ऑफ मदर कि कोई और कर ले ना काम, मुझे ना करना पड़े, कोई और जैसे कि कोई घर की बड़ी औरत कर दे या कोई कर दे. हाँ तुम बोल दो तुम कर दो, अच्छा मुझे भी आना है, अच्छा यू नो. तो दैट सो दैट फॉर मी हर एसेंस इज दैट. आई फाउंड दैट अ बिट टफ तो कि वो कैसे एकदम एक ही चीज़ भी थोड़ी नज़र आ जाए और ऐसा भी ना लगे कि वो पागल ही है क्योंकि वो नहीं है ना यार. ऐसे लोग होते हैं. आई हैव नो ऐसी सी झलक मैंने बहुत लोगों में देखी है. मैं खुद में है मेरे में ये एक रिलैक्स. आई एम वेरी लेजी और कोई काम हो अगर मैं डेजिग्नेट कर पाऊँ तो मैं बहुत हैप्पी हूँ. मुझे नहीं होता कि मैं कर दूँ, नहीं नहीं मुझे नहीं करना कर दो कोई और. आई एम लाइक दैट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मेनी थिंग्स बट आई वॉन्ट इट डन द वे आई वॉन्ट. मुझे नहीं करना कोई और कर कोई गलत करे तो डांट भी खाए. हाँ वो तो बिल्कुल बनता है. हाँ, वो समझ भी नहीं आया कि मैंने क्या कहा था. मैं बहुत खराब हूँ. दिल्ली के दिनों की बात करते हैं और थोड़ा सा मतलब दिल्ली के थिएटर डेज, कॉलेज डेज और उसके बाद मुंबई आना क्या बढ़िया था? कॉलेज बहुत बढ़िया था यार. बहुत ही बढ़िया. एक तो मैं ऑल गर्ल्स स्कूल से थी. हाँ यार एक तो बहुत ही वाहियात मुझे तो ये समझ कामल कॉन्वेंट करके एक नाम है चाणक्यपुरी में स्कूल. बहुत सुंदर बिल्डिंग और सुंदर जगह पे बट इट्स अ कैथलिक ऑल गर्ल स्कूल एंड बहुत ख़राब चीज़ है आई थिंक ये. एनीवेज तो उसके बाद में हम कॉलेज पहुँचते तो उफ मतलब बहुत ही
एकदम एक तो आई वॉज टोटली बैक बेंचर चाइल्ड ना, एकेडमिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर हमेशा से बट हंसराज जो गॉट ना मतलब ठीक ठाक नंबर आया हूँ। नहीं मेरे ड्रामेटिक्स कोटा नंबर के हिसाब से तो लिटरेचर कोई चांस ही नहीं था मुझे मिल जाए हंसराज में, नो ए, सो ओनली थ्रू ड्रामेटिक्स कोटा। एंड या तो बहुत वो तीन साल बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि एक तो लिटरली हर साल एक नया नाटक लाइक ऑन अ प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल वो, एंड देन लिटरेचर करना यार, जो कि क्योंकि मैंने इनसे बैक बेंचर में नहीं, मुझे नॉर्मल एकेडमिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट लैंग्वेजेस में बहुत इंटरेस्ट था, थिएटर में, पोइट्री, जस्ट यू नो आर्ट्स, आई एम टोटली एन आर्ट्स चाइल्ड, लेकिन आपकी स्ट्रीम आपको अलाउ नहीं करती बहुत लंबे टाइम तक ना, आप बेवकूफ या ऐसे माने जाते हैं। तो कॉलेज में आके तो इट वॉज वंडरफुल कि आप सारा टाइम वही पढ़ रहे हैं जो आपको पढ़ना है, आपको जिसमें मज़ा आ रहा है। हाँ जी, तो मुंबई में कैसी थी टीवी इंडस्ट्री जब आप कर रही थी, थोड़ी नई थी? तब बहुत अच्छा था यार, एक्चुअली जब नया नया शुरू था तब, ये डेली सोप की पहले के जमाने की मैं बात कर रही हूँ, तो जब डेली सोप ने आके बवाल मचाया टेलीविजन, हाँ जी, वे वी रियली डिड गुड टेलीविजन, तब दिल्ली का वो भंवर बहुत चलता था TV18 का, तो मैं अक्सर दिल्ली जाती थी टू डू एपिसोड, मैंने बहुत बहुत ही मज़ेदार काम किया हुआ है यार, वो जासूस विजय एक होता था सीरीज़, एक भंवर TV18 होता था उस टाइम, तो बहुत मज़ेदार काम, बॉम्बे में भी देवर सीरीज़ विद ओम जी के साथ में एक बहुत बढ़िया सीरीज़, एंड तब होता था यार टेलीविज़न कुछ मज़ेदार वो किया, लेकिन और स्टार बेस्ट सेलर्स, 1 आवर स्टोरीज एंड ऑल दैट, वो सब था, लेकिन फिर एक बार जब डेली सोप आ गए तो क्या ही बोले, मतलब बहुत दुखद हो गया मामला सा, बिल्कुल समझ ही नहीं आया क्या, बट यू हैव टू डू इट बिकॉज यू हैव टू पे द बिल, यू हैव टू पे द रेंट, लेकिन उसके बाद में टेलीविज़न में तो कभी मज़ा नहीं आया, मतलब किल्लत, आप खुद को कैसे बचाएं एक टीवी के सेट पे जाके, इट यूज टू बी लाइक दैट ना, नहीं तो या इट्स अ स्ट्रगल फॉर एन एक्टर आई थिंक टू गो ऑन अ सेट लाइक दैट एंड खुद को बचा के काम करना है। ये जो फिल्में हैं यही जो बधाई दो है या डॉक्टर जी है, एक सोशल मैसेज है इन फिल्मों में, और वो कहती हैं कि हम एक समाज को मैसेज दे रहे हैं जो कि अलग अलग तरीके का है, सेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ भी है, जेंडर से जुड़ा हुआ भी है, आपको अपना ये सिर्फ एक रोल लगता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि हाँ अपने काम के ज़रिए हम कुछ कर पा रहे हैं, लगता है कि कुछ कर पा रहे हैं ऐसी फिल्म? यार ऑफ कोर्स हम जब फीडबैक आती है तो बहुत ही अमेजिंग लगता है कि आप, मैं इतना ये सोच के नहीं करती कि ये काम इस वजह से है, लेकिन उसके बावजूद जब फीडबैक उस तरह का आता है बधाई दो के बाद तो बहुत ज़्यादा आया, तो वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग सा लगता है कि तब आता है समझ यार दैट आर्ट और अ वर्क विच इज़ ट्रूथफुल हैज़ द पावर, हैज़ द पॉसिबिलिटी टू डू दैट। मुझे ये नहीं लगता कि एक आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये टू चेंज सोसाइटी, आई थिंक बाय द वर्च्यू ऑफ क्रिएटिंग आर्ट, दैट्स द प्रेजेंस एंड दैट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन एन आर्टिस्ट हैज इनटू मेकिंग, ये दिस इज आवर गिव बैक, दिस इज हाउ वी गिव बैक, जस्ट द फैक्ट दैट वी कीप आर्ट अलाइव, विदाउट आर्ट व्हाट इज अ सोसाइटी, है ना, क्या ही है, तो वो किसी भी तरह से आप जो भी कर रहे हैं, आप चाहे लिख रहे हैं, नाच रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब इफ देर इज आर्ट देर इज लाइफ आई थिंक, तो वो अपने आप में ही हमारा एक कंट्रीब्यूशन है यार टू सोसाइटी, आई फील दैट यार। और जो मिडिल क्लास का रिप्रेजेंटेशन है इन फिल्मों में, वो अभी सिर्फ इन फिल्मों में नहीं बट जनरली फिल्म्स में भी, OTT में भी एक बढ़ा तो है ही, और थोड़ा सा रियल की तरफ आ रहा है कि हाँ ऐसी कहानियाँ होनी चाहिए, और ऐसी कहानियाँ बन रही हैं, ऑब्वियसली इनफ नहीं बन रही हैं, पर कितना ज़रूरी है ये वाला रिप्रेजेंटेशन मिडिल क्लास का खास तौर पे? मतलब कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है और उसको एक रियल वे में दिखाया जाए, जो कि जिसकी पिच और जिसका इंटेंट रियल हो, लिटरली ऑथेंटिक हो, वो तो ऑब्वियसली मतलब कोई भी, वाई जस्ट मिडिल क्लास, कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी चीज़ ले लें जो एग्जिस्ट करती है, आप उसको एक ऑथेंटिक तरीके से अगर दिखाने की आपकी चेष्टा है तो अपने आप में एक वो विन है ना, आपने कितना अच्छा लैंड किया वो या नहीं किया, दैट्स अनदर थिंग, बट आई थिंक दैट अटेम्प्ट इज़ ऑल्सो वंडरफुल, कि आप कोई भी चीज़ को एज ऑथेंटिकली दिखाने की कोशिश करें, नॉट आई डोंट मीन डॉक्यूमेंट्री ऑथेंटिक, बट इन अ फिक्शन फॉर्म एज ऑथेंटिकली एज यू कैन ना, वो तो
नीव इज वंडरफुल है, क्योंकि पहले मिडिल क्लास भी ऐसे एक पैकेज टाइप की चीज में कुछ दिखता था, मतलब मिडिल क्लास ही क्या कहें, या तो बहुत ही गरीब होते थे या फिर वो बीच की सीढ़ियों वाले घर है ना, यू नो व्हाट आई मीन. तो एक सेंस ही जस्ट ऑथेंटिक. तो ऑफ कोर्स वी सी मोर, बिकॉज आई थिंक रिलेटेबिलिटी अब ऑथेंटिक से है, इसीलिए हम वो कहानियाँ देख रहे हैं, इसलिए वो लोग कहानियाँ अब हम लिख रहे हैं, क्योंकि वो सब अब फॉर्मूला तो देख लिया ना, अब वो भी दिख रहा है कि वो काम नहीं करता, नहीं काम करता यार, नहीं ना करता वो काम, अब क्या ही है वो. हाँ, कितना बड़ा हाथ है ओटीटी का ये करने में? मुझे नहीं मालूम कितना बड़ा हाथ है यार, आई डोंट नो दैट. आप इसको क्रांति की तरह देखते हो ओटीटी को? मतलब आई थिंक जस्ट द फैक्ट दैट स्कोप ऑफ थिंग्स इतना बढ़ गया है, ये अपने आप में एक चीज़ है ना, मतलब देयर इज जस्ट लॉट मोर पॉसिबिलिटी नाउ टेक्नीशियंस के लिए, एक्टर्स के लिए, सबके लिए, यू नो परफॉर्मर्स, एवरी फील्ड. थैंक गॉड फॉर ओटीटी, ऑफ कोर्स वी नो दैट, एंड अ लॉट ऑफ कई तरह की कहानियाँ जो हम बड़े पर्दे पर अभी भी नहीं कह रहे, वो फिर भी एक फ्लैश्ड आउट लंबे फॉर्मेट में हम ओटीटी पे देख पा रहे हैं, जो कि ऑफकोर्स बहुत ही वंडरफुल एक चीज़ है. लेकिन अब ये ही फॉर्मूला ना बन जाए, और क्योंकि स्पेस, हाँ अब इतनी स्पेस जब है तो थोड़ा और, मैं तो आई ऑलवेज से कि इट्स मोर डेंजर इन राइटिंग, यू नो, मोर क्या चाहिए आपको और किस तरह की कहानियाँ अब वैसे लिखती हैं? नहीं कभी नहीं ट्राई, मतलब मेरे एक दोस्त हैं फिल्म मेकर हैं, वो कभी जैसे आज सुबह भी वो आए हुए थे, वो लिख रहे हैं एक स्क्रिप्ट, तो मैं उसमें थोड़ी थोड़ी बकबक के लिए वो मुझसे कर लेते हैं, बट यार ऐसा लगता है कि अरे इंटरेस्ट है राइटिंग में, बट मैं खुद, क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ तो कभी खुद जाके एस्टैब्लिश कर चुके हैं, खुद मैंने नहीं किया, बट आई वुड से देयर इज एन इंटरेस्ट. लाइक अच्छी राइटिंग जब आप देखते हैं तो मतलब जो मज़ा आता है ना स्क्रीन पे, मतलब मज़ा ही आ जाता है ना. वो कोई एक इमोशन या कोई एक एस्पेक्ट जो आपको लगता है कि अभी तक नहीं एक्सप्लोर किया गया और अब यू रियली वांटेड टू बी एक्सप्लोर्ड एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट? कोई ऐसी बहुत, पता नहीं एक्सप्लोर हुआ है कि नहीं, बट बहुत ही साधारण सी कॉमेडी जिसमें कोई मेन ज़्यादा कुछ इतने ना हो रही हो. लाइक कथा इज़ अ वेरी वंडरफुल कॉमेडी फॉर मी, हालांकि उसमें भी काफ़ी कुछ होता है लेकिन फिर भी नहीं होता है, और बहुत फिर भी आप इतना कुछ उसमें देखते हैं जो इतना ह्यूमन नेचर के बारे में, इतना मज़ेदार चीज़ों के ऊपर देर इज़ लाइट दैट इज़ पुट, एंड वो इतने सुंदर तरह से आप तक लाया गया है, समथिंग दैट्स उसमें जिसमें हाई ड्रामा ना हो, हाई मूवमेंट ना हो, प्लॉट में इतना कुछ एक्शन ना हो रहा हो, लेकिन द होल थिंग हैज़ अ जैसे कि भीनी खुशबू हो कॉमेडी की उसमें, है ना, और हाँ ऐसा सा कुछ हल्का सा पर बहुत सुंदर, पता नहीं क्या है ये बट हाँ तो समथिंग जो आपको भी सरप्राइज कर जाए यार, जब आप देख भी रहे हो, जब आपने बनाया भी हो, समथिंग यू नो, आई डोंट नो व्हाट दैट इज. फिल्म्स का क्या है, फिल्में देखती हैं आप? हाँ, तो जितना आई थिंक अमूमन एक्टर लोग देखते हैं उससे बहुत कम कंटेंट. हाँ आई नो, आई एम सेइंग कि मैं कई बार, बहुत बार मैं सेट पर बैठी होती हूँ तो मुझसे लोग, दोस्त लोग पूछते हैं कि ये देखा है, वो देखा है, वो देखा है, मैंने कुछ नहीं देखा होता. तो फिर मेरा कुछ ऐसे दौर आएगा कुछ ऐसा 5-6 दिन का जिसमें मैं लग के देख लेती हूँ, फिर मैं लंबे टाइम तक कुछ नहीं देखती. मुझे एक आई थिंक मेरे को बिंज वॉच करना पसंद है, तो मुझे डर लगता है कि अब मैं शुरू करूँगी ना तो मैं फिर वो एंड तक ही ख़त्म होगा, तो ऐसे चलते चलते नहीं. और जैसे मूवी बहुत टाइम से सब्सक्रिप्शन लेना है, 50 फिल्मों की लिस्ट है जो देखनी है पर वो किया नहीं है. वाकई इंटरनेशनल कंटेंट में इंटरनेशनल तो वही मूवी तो अभी, हाँ मूवी दैट्स द काइंड ऑफ फिल्म्स आई रियली वांट टू वॉच. जैसे अब आई हुई है 3, हाँ बस अब जैसे कि हाँ वो देखी जाएंगी, कभी कभी मिस भी हो जाती है. जैसे कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग अवतार की फ़ैन हूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ अवतार, और मेरा दुख है कि मैंने एक ही बार सेकंड अवतार 2 देखा है इस बार, ही है ना. तो ऐसा कई बार शूटिंग का ऐसा चक्का चला होता है कि आप जा ही नहीं पाते, तो मैंने एक ही बार देखी. बट यार बट आई लव वॉचिंग फिल्म, ये तय बात है, लाइक आई थिंक ऑल ऑफ अस, आई जस्ट या मज़ा बहुत आता है जब आप एक अच्छी फिल्म देख रही होती है, स्पेशली कुछ दोस्तों के साथ, जो बहुत मज़ा आता है. अब मैं बेटी के साथ, इट्स लाइक माय फेवरेट थिंग विद माय डॉटर, आई लव कि हम बैठ के कुछ मज़ेदार देखें. तो बारबी या ओपनहाइमर?
हाँ तो ये तीनों देखी जाएंगी, ये दोनों तो देखी जाएंगी और मिशन इम्पॉसिबल भी देखी जाएगी। पास्ट लाइव्स मुझे देखनी है, पास्ट लाइफ में सुन रहा हूँ बहुत बहुत बढ़िया है, बट अब वो जब जल्दी से नहीं किया तो नहीं हो पाएगा ना, बस अब वही है, छोटी स्क्रीन पे देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, पर वो देख पाए अभी लगी हुई है तो तमीज़दार लोगों की तरह देख लेना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ बक बक करेंगे और हम देख। किस तरह के रोल से आप ज़्यादा रिलेट कर पाती हैं अगर ये पूछें तो? जो ट्रायल में मालिनी का रोल है वो, और जो बधाई हो में जो सान्या की मदर का रोल है वो, या फिर ये सारे रोल्स बंदिश बैंडिट्स या पगलेट? तो आई थिंक ये सब लोग, हम सब शायद सबके अंदर होते हैं ना, मतलब समथिंग इज देयर, तो रिलेटेबल इफ इट्स अ रोल दैट इज वर्क, देन जितना बढ़िया वो लिखा गया होगा और जितनी बढ़िया टीम के साथ में आप काम कर पाओगे उसको, जो वो लिखे हुए चीज़ को एक बढ़िया तरीके से दिखा पाएँ। कई बार बहुत अच्छा स्क्रिप्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनली जब बन के बाहर आएगा वो वैसा होगा। एक ये भी अपने आप में एक कला है ना कि हाउ टू पुट दैट रिटन वर्ड ऑन सेल्यूलॉइड, ऐसे कि वही ना तो मतलब वो तो आए ही उससे बेहतर ही हो जाए, है ना, वो डिफरेंट है ना, ये लिखा है, ये विजुअल है, वो जो जर्नी है। तो कोई भी काम जो एक तो जो ये हो जाए बहुत बढ़िया से और लिखा ही हुआ बहुत अच्छा हो तो रिलेटेबल तो वही हो जाता है एक्चुअली। इट्स लाइक व्हाट रिलेटेबल इज़ व्हाट विल मूव यू नो, व्हाट विल जिसमें आपको मज़ा आए ना, तो वो जितना बढ़िया एक तो लिखा ही हो पहले तो आधा मज़ा तो वहीं हो गया, तो रिलेटेबल हो गया वो। फिर अगर वो टीम भी बहुत बढ़िया और वही चीज़ को बहुत सुंदर तरह से क्रिएट करे सिनेमैटिकली तो yeah. ये वाली बहुत बात चलती है ना कि जो मेल एक्टर्स हैं वो अगर आपके एज में आ जाएं तब भी वो लोग लीड प्ले कर सकते हैं, वहीं पे अगर कोई फीमेल एक्टर है तो वो लीड तो ऑब्वियसली नहीं प्ले कर सकते हैं, लेकिन उनका वही वाले रोल्स रह जाते हैं जो हम बात कर रहे हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, कई लोगों के साथ है, और जो लोग अभी रिवाइव कर पा रहे हैं OTT की वजह से वो बहुत सीमित महिला एक्टर्स हैं। तो ये कुछ चेंज हो पाएगा? I don't know either. मतलब दुखद ही है ये बात, है ना, कुछ एक लार्ज लेवल पे, बिकॉज आई थिंक आई वॉज सो मच सो मेनी ईयर्स बैक, तभी से आई हैव बीन डूइंग मदर्स, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी वेरी यंग टू बी एबल टू डू एनीथिंग एल्स। अब आई थिंक ऑफकोर्स OTT में वी आर ऑफकोर्स सीइंग वुमेन माई एज गेट जस्ट मोर स्पेस इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड वेट, वो तो है, लेकिन बहुत स्कोप है यार अभी भी। ऑन द अदर साइड हम ये भी देख रहे हैं ना कि वही 50-55 साल के जो एक्टर्स हैं वो 19-20-21 साल की एक्ट्रेसेस के साथ भी तो और ज्यादा काम कर रहे हैं ना, वो भी तो एक्टर्स की बात कर रहा है, हां वो भी तो OTT पे ही आ रहा है। जैसे कि गिव मी एन एग्जांपल, नवाजुद्दीन से, हां सिद्दीकी एंड अवनीत कौर आई थिंक, हां जो अभी टीकू वेट्स शेरू जो फिल्म आई है, हां that's the recent example and it was but that's a film aap OTT ke ha nahi but it was it released on prime video it released on amazon ye cheeze to aisa mujhe ho gaya jaise like patriarchy jiske bare mein aap sochte bhi nahi hai as women na ab bahut time lagta hai aapko by the time you even start realizing ki aap kitne aap hardwired ho chuke hain patriarchy ko leke to ye to aisa hai ki hum are ha ye to ha right ye to aisa hi hai of course dekha to इट्स लाइक हाँ बहुत दुखद है कुछ कहना चाह रही हाँ माने है ऐसा ऑफ कोर्स वी नो इट अब ये चेंज होगा एंड ऑल होगा क्या ही करें है ना दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग दैट वी आर नॉट कंटेंट क्रिएटर्स एज एक्टर्स ना हम कंटेंट क्रिएट नहीं करते ना या हम तो इट्स रियली लाइक दैट कि हमारे कि ये हमारे पास आता है हम ये नहीं कह सकते अनलेस यू आर ऑफ अ सर्टन लेवल रेंज वे यू मोबिलाइज प्रोजेक्ट्स वे यू मोबिलाइज सेटअप्स या तो वो अपना प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठ जाएं उसमें से हम बहुत छोटा परसेंटेज है जो वो करता है यार बाकी तो क्या ही करो है ना इट्स बाय द या इट्स सैड चलिए कैसा लग रहा है अभी तक कैसे देखती हैं आप अपनी पूरी जर्नी को इस समय पर सुकून के स्तर पर कितनी खुश हैं आप सुकून तो क्या ये है कि हमारे लाइफ में हाँ क्योंकि ये जो हमारा काम है उसमें सुकून बहुत ही मुश्किल एक चीज़ होती है बिकॉज एक जैसे कि बहुत बाहर लोग मुझसे कई कभी एयरपोर्ट में मिल गया कोई या प्लेन में कोई आपके बगल में बैठा होगा तो हमारे बच्चे को भी करना है आप बताओ क्या करना क्या आप एक एडवाइस दोगे
तो ये जो अगर एक एक बिल्कुल नॉन सुकूनी इन अ वे और इनसिक्योर लाइफ आप जी पाए विदाउट ब्रेकिंग डाउन एंड कोलैप्सिंग, तो ही आपको यहाँ आना चाहिए. क्योंकि लिटरली एज एक्टर्स, एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर्स, आई थिंक इट्स द सेम फॉर डायरेक्टर्स, आई डोंट नो, बट आई फाइंड डायरेक्टर्स जर्नी इज इवन हार्डर जब मैं देखती हूँ. तो लाइफ ये एक इंट्रिंसिक नेचर ऑफ द बीस्ट है हमारा काम का ना, कि ये सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़, प्रिडिक्टिबिलिटी नाम की कोई चीज़, आप ए करोगे तो बी होगा नाम की कोई चीज़ कतई ही नहीं है हमारे लाइन ऑफ वर्क में, मेरे मानने में. तो अगर आप ओके हैं इससे तो आपको ये करना चाहिए. तो इसलिए सुकून इज़ लाइक या इज़ ग्रेट राइट नाउ, मीनिंग कि पिछले कुछ वक्त में वेरी वेरी ब्लेस सक्षम कि ये रोल करने को मिले, इन लोगों के साथ काम करने को मिला, काफ़ी सारा वो काम काफ़ी विजिबल भी हुआ, भगवान की दया से अवार्ड वो अवार्ड भी मिल गए इतने बहुत सालों के बाद. तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बिकॉज ये सब चीज़ें आपको चॉइस ऑफर करती हैं कहीं पे. लेकिन उतना ही है यार. और क्योंकि अगेन ऐसे हम कंटेंट क्रिएट नहीं करते, बाहर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक प्रोजेक्ट की मोबिलाइजेशन में और उसके फ्रूटेशन में पहुंचने के लिए यू नो कंट्रीब्यूटरी होते हैं, उन पे हमारा कोई जोर नहीं है. तो इट्स लिटरली लाइक वी हैव नो कंट्रोल और नो पॉसिबिलिटी ऑफ दैट ऑल्सो इन आर लाइन ऑफ वर्क ऑफ एवरीथिंग, एंड द इंट्रिंसिक नेचर इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल. तो सुकून तो क्या है नहीं कह सकती, बट हाँ मज़ा बहुत आ रहा अभी. अब हाउ मैं नहीं कह सकती कि आ जा रहा है तो ये एक साल बाद या दो साल बाद. सो इट्स लाइक दैट, यू हैव टू बी ओके विद दैट. तो अभी द लाइन आई एम वेरी हैप्पी विद वॉट एवर केम माई वे, एंड आई जस्ट होप दैट कंटिन्यूज, बट कुछ नहीं कह सकते. क्या आने वाला है आने वाले दिनों में, क्या हम देखने वाले हैं, क्या क्या रिलीज हो रहा है अभी? कुछ हैं 10-12 चीज़ें एक्चुअली इस साल में और अगले साल के शुरू तक आने में. अभी तो दो चीज़ें अभी रिलीज़ हुई हैं, एक ट्रायल पीरियड नाम की फिल्म है जिसमें मेरा बहुत छोटा सा रोल है एक्चुअली, और ट्रायल अभी रिलीज़ हुआ है. फिर एक अनंत तिवारी ने फिल्म डायरेक्ट की है विद विकी कौशल फॉर धर्मा, वो है. एंड एक अफगान स्नो करके फिल्म है विद क्लीन स्लेट, अंशे ने डायरेक्ट की है, वो विजय वर्मा है उसमें. तो बहुत मज़ा आया विजय के साथ काम करके. वो आएगी, बंदिश बैंडेड्स 2 आएगा अगले साल, फिर शूटिंग ख़त्म हो गई है उसकी. मिर्ज़ापुर 2 आएगा. फिर एक मैंने ऑस्ट्रेलियन फिल्म की है जो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, वो रिलीज़ होगी. एक जर्मन नेटफ्लिक्स की सीरीज़ की है, और कुछ 3-4 और वो की है सीरीज़. तो ये सब है, कुछ चल रहा है, आएगा इस साल में और अगले साल के बिगनिंग तक. क्या थैंक यू सो मच जी हमसे बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सेक्शन सत्यम. तो आप मुझे बीच में क्यों नहीं बोला? ये मेरा इतना पुराना प्रॉब्लम है, मेरे को नाम वाम पता है. कल ही हमारे दोस्त बोल रहे थे, वो कह रहा था कि जब मुझे कोई बताता है अपना नाम आके, एक्चुअली मैं सुन नहीं रहा होता हूँ मैं उसको देख रहा होता हूँ. हाँ, कुछ था दिमाग उस टाइम, पता नहीं क्या ही हो जाता है. आपको नाम याद रहते हैं? तो रहते होंगे, अगर आप सोच रहे हो तो मतलब रहते हैं. ये तो तुरंत आता कि नहीं रहते. इट इज व्हाई यू डिडंट स्टॉप मी, मैंने 1000 बार आपका नाम बोल दिया यार, आप मुझे रोके क्यों नहीं? अरे कोई बात नहीं, हम काट देंगे, कोई नहीं ध्यान देगा. हाँ बोलो, मेरा नाम सक्षम, नाम ही बदल दिया, ये पागल एक्टर से भी लेते नाम ही बदल दिया. अरे यार सॉरी, आई एम सो सॉरी यार. अच्छा ठीक है, ओके सक्षम, ठीक है रसिका जी. तो है आपको भी, फिर आपको भी भूलने की प्रॉब्लम है. ठीक है, आप ये भी भूल गए थे कि आपको है जब मैंने आपसे पूछा ये. हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच.